कह रहे इतना फ्यूरियस तुमने अपने डॉग को बनाया हुआ, काट लेगा, मन्नी की जान खतरे में है, ठीक है, ये आपको लग रहा है काटेगा? डोमिनेंस लेके इससे बॉल ले सकती है वैसे मन्नी? यार तुम क्या चाहते हो, दिवाली में मैं बिना एक हाथ भी घूमूं? जोई तो देखो आगे बैठ गई है। अब अगर मैं घर में घुसी ना मिट्टियों के बाद, तो मैं तुम्हें भी बताऊं, तो लेकिन दांतों में से खून निकल रहा है, इसलिए कोई पेड़ काट है? हां तू काटेगी, पैर देखो टांगे लड्डू है, लड्डू लड्डू तू काटेगी। ये तो क्यूटनेस है, तू काटेगी। चारों के चारों घुस गए हैं, जिसमें से तीन ने तो निप्पल पकड़ लिया है, उनको तो मिल गया है दूध, पर ये जो चौथी है ना हमारी दामिनी, तो फाइनली हमने ट्रक का नाम डिसाइड कर लिया। बहुत सारे सजेशंस है, तो अंदर से ना एक आवाज बार बार आ रही थी, जो बब्जी का रियल नाम है जिससे दुनिया उसको नहीं जानती, वो नाम है हैमर, हथौड़ा, HAMMER, वैसे हैमर होता है। तो हमने अपने ट्रक का नाम रखा है हैमर, इट इज डेडिकेटेड टू बब्जी, लेडी ऑल इन जोई, क्योंकि उनके लिए लिया है और उन्हीं का है। तो इस ट्रक को अगर हम कभी भी बात करेंगे ना कि हम अपने पिकअप ट्रक में जा रहे हैं या कुछ, हम जा रहे हैं हैमर में, तो हैमर हथौड़ा पावरफुल है, बिल्कुल सही बैठता है। मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा ये नाम, क्योंकि मुझे किसी सब्सक्राइबर ने ना, किसी ने नहीं, कईयों ने, बहुत लोगों ने, सबसे ज्यादा तो काफी लोगों ने मुझे बोला था कि हैमर रखो, तो ट्रक का नाम है हैमर और अब हम उसके ऊपर हैमर लिखवा देंगे और एक हथौड़ा बनवा देंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज यहाँ पे वीकडे शुरू हो गए इतनी सारी छुट्टियों के बाद, और बच्चे चले गए स्कूल, यहाँ पे चल गई सफाइयाँ, चमेली घूम रही है क्योंकि उसके घर की हो रही है सफाई, यहाँ पे बच्चे डब्बे में हैं, सो रहे आराम से, एक दूसरे के साथ घुमड़ी पुमड़ी बन के, देखना ऐसे लग रहा है जैसे शिवाय और जय सो रहे हैं बिल्कुल साथ में, वो भी ऐसे ही सोते हैं जब इकट्ठे सोते हैं। आज हम शुरू करने वाले बड़े दिन बाद ऑफिस का काम, बड़े ऐसे लग रहे सदियाँ हो गई हैं अब तो, क्योंकि मंडे की मैंने छुट्टी ले ली थी, ट्यूसडे को दशहरा था और आज काफ़ी टाइम बाद, तो चार दिन की छुट्टी तो हो ही गई, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, तो चलते हैं काम पे लगते हैं और मिलते हैं आपको आराम से थोड़ी देर में। घूम रहा है तू, ये देखो भाई, इसको देखो, इसको तो मजे मजे आ रहे हैं इस भाई साहब को। बब्जी फाइनली यहाँ पे चढ़ के देख रहा है, चढ़ गया अब आप ही बोला। तो फिर ऐसा हो जाता, अपनी पोजीशन में आ जाता, तो बब्जी आ गया सुबह से अपनी पोजीशन में। जैसी दिशु का कहना है कि अगर मैं आता हूँ ना पार्क में, तो इसका रंग उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। तू पहले थोड़ा घूम तो ले, कम से कम थोड़ा घूम के आ जा, जा ये ले जा बॉल साथ में और भगा इसको दो चक्कर ताकि फ्री हो जाए, भाग जाओ बब्बे, ओ मेरे प्यारे बब्जी। जो लोगों का कहना है कि बब्जी इज नॉट अ ट्रेंड डॉग, आई बेट कि बब्जी से अच्छा ट्रेंड डॉग मैंने आज तक नहीं देखा। हमारी लैंग्वेज के अंदर ना कहते हैं कि डॉग कैन नेवर अंडरस्टैंड योर वर्बल कम्युनिकेशन, ही हैज टू बी ट्रेन्ड विद द क्यूज विद द एक्शंस, और हम उसकी ड्राइव के थ्रू उसको ट्रेन कराते हैं। ड्राइव दो टाइप की होती है, फूड ड्राइव या फिर उसकी प्ले ड्राइव, ठीक है ना। तो बब्जी एक ऐसा अनोखा डॉग है जो मेरे ना मन की बात समझ लेता, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड आई थिंक अगर मुझे चूज करना पड़े ना तो आई थिंक बब्जी इज द वन जो मेरे इमोशन समझ लेता। अभी मैं सुबह ऑफिस में काम कर रहा था, आज लड़कियां नहीं आई हैं, तो मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैंने उसको बोला कि अभी थोड़ी देर बैठ जा, मैं एक बार ऑफिस का थोड़ा सा काम निपटा लूँ फिर मैं तेरे को लेके जाऊँगा, ठीक है। तो वो ना आराम से बैठ गया, और फिर जब मैंने बोला ना कि अब चलते हैं, तो सब उठ तो गए, पर बब्जी कहता कि नहीं अभी तेरा सा थोड़ा सा काम बचा हुआ है, मुझे पता है तो अभी दोबारा बिठा देगा, तो हर बार ऐसे ही करता, तो बब्जी नहीं उठा।
फिर जब मेरा काम हो गया तब बग्जी उठा। ये देखो तीनों के तीनों, वो रही बॉल, बॉल तो वो रही। चलो 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 भागो, आज इनकी एक्सरसाइज हो रही है। भगा दो राउंड तो कम से कम भगा, ऐसे मत कर, दे मुझे दे दे। ये देखो सारे भाग रहे हैं उसके पीछे, ये देखो 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 देखो, देखो। तो ये देखो दोनों रॉटवाइलर ऐसे भागते हुए कभी आपको देखिए, और इनको चेस कर रही है पीछे जोई। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी तेज भाग रहे हैं, ये देखो ये पूरे पूरे इनकी आज एक्सरसाइज हो रही है। आज फेचिंग कराएंगे ना, ये बॉल आई, ये रही बॉल, एक दो तीन, ये लो बब्जी के हाथ में बॉल आ गई। तो बेसिकली क्या फेचिंग का एक फंडा है, जब हम फेच कराते हैं तो लेडी वाली हमेशा वो जीत जाती है रेस में, या फिर जोई जीत जाती है। बस जोई फेच नहीं करती क्योंकि वो रिस्पेक्ट करती है लेडी वाली की, मुझे ऐसा लगता है, या फिर पैक के अंदर सीनियोरिटी लेडी वाली की इसलिए। बट आज हमने क्या किया, आज हमने बॉल पकड़ के ना पाते हुए खुद भागे हैं, वो इसलिए भागे हैं ताकि ना बब्जी की एक्सरसाइज हो जाए। बब्जी बहुत दिन से ढीला हो गया था, अब भी ढीला हो गया, पर इसका ना खड़े होने का पॉस्चर देखो, आगे की मसल्स देखो बब्जी की, और ना ये सिर्फ बॉल ना लेडी ऑली को लेने देता है, जोई जैसी आती है लेने तो गुस्सा कर देता है। देख लो बैठ गई अपना, देख लो बब्जी अपने काम में लग गया। अगर हम एक्सरसाइज ना कराएं तो हमें एक्सरसाइज ना हर बार चेंज करनी पड़ती है, बॉल पकड़ के भागना पड़ता है ताकि बब्जी हमारे साथ भागे, नहीं तो वो कहता है कि मेरे पैरों में दर्द है, उतना मैं करूँगा नहीं। तो वो अपने इसी काम पर लग जाता है जिस पर अभी वो लगा हुआ है। और यहाँ पीछे गेट बजा है, आवाज़ आ गई है, मुझे लग रहा है मम्मी आ गई है इनकी। और हाँ इनकी मम्मी आ गई है वहाँ से, कहाँ है इनकी मम्मी, ये देखो इनकी मम्मी आ गई है फाइनली। तो नमिता आ गई है पार्क के अंदर। हाँ जी मम्मा, क्या करके आए हो, एडिटिंग? और मैं इनको पार्क में लेके आया था, मैं बता ही रहा था जो जो नए नए वो बब्जी अब तेज हो गया। मुझे ना लोग कह रहे थे कि बब्जी ट्रेंड नहीं है, मैंने कहा तुम लोगों की क्यों, अभी कल ही बोला ना लोगों ने कमेंट सेक्शन में, मत सुनो लोगों की, नहीं है। तेरे को पता है मैंने अभी आज ऑफिस के अंदर मेरे साथ ना एक इंसिडेंट हुआ, मैंने बब्जी को बोला क्या बोलते हैं कि ना अभी थोड़ी देर में चलेंगे, ये हमारे साथ रेगुलर होता रहता है, पर मन्नी ही सेंस जैसे शिवाय सेंस कर लेते हैं ना कि राहुल को क्या चाहिए या क्या सोच रहा है। मैं लेडी वाली की बात नहीं कर रहा, जोई की बात करना, पर इसको हिंदी समझता है, अब इसको फ्रेंच सिखाओ। हाय बब्बे बोंजोर, पागल है तू, थोड़ी डोमिनेंस लेके इससे बॉल ले सकती है वैसे मन्नी? यार तुम क्या चाहते हो, दिवाली पे मैं बिना एक हाथ के घूमूं? देखो लगता है कि वो कभी भी ऐसा करेगा, इतना बड़ा मुंह तेरे मुंह के सामने है, ये देख नॉर्मल बैठी रहा। तू पता है तू जान के उसको फियर दिखाती है ना बॉडी से, वो सेंस कर लेता है कि तू डर रही है और वो मजे लेता है। राहुल नॉर्मल लोग डरते हैं यार। तू नॉर्मल नहीं है, तू इनकी मम्मी क्लेम करती है अपने आप को, फिर नॉर्मल कैसे है तू? अल्फा फीमेल हूं मैं। अल्फा अल्फा फीमेल नहीं है वो, तो कितना चौकन्ना हुआ है, जोई उसके आसपास घूम रही है ना, जोई तो कटिंग है, जोई तो देखो आगे बैठ गई है। अब अगर घर में घुसी ना मिट्टियों के बाद तो मैं तुम्हें भी बताऊंगी। आज निलाते हैं दिशो, आज निलाएंगे इनको। दांतों में से खून निकल रहा है, पेड़ खाता है। हाँ। भाई बब्बे में ना लोग कुछ भी कहो कि कमजोर हो गया है, जो भी हो गया। अब तो बब्बा गया, आप लोगों ने इस पोजीशन में ना सबसे ज्यादा ना लेडी ऑली को देखा होगा, लोग कह रहे इतना फ्यूरियस तुमने अपने डॉग को बनाया हुआ, काट लेगा, मन्नी की जान खतरे में है, ठीक है। ये आपको लग रहा है काटेगा? ये देखो ये रॉटवाइलर अल्फा बब्जी है, बात समझ रहे हो, ये काटेगा, तू काटेगा मेरे को बता। ओए तेरा गुर्रा रहा, ये देख, हाँ तू काटेगा, तू काटेगा बता ना, तू काटेगा, गुर्रा तू काटेगा, बॉल नहीं देगा, बॉल चाहिए नहीं। और एक तरफ ये है पानी, पानी की तरह ठंडी, ये देख ठंडी वंडी कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा बोन पावर इसी में है, ये देख। तू कटेगी, तू कटेगी मेरी, तू कटेगी, पैर देखो टांगे, लड्डो लड्डो लड्डो, तू कटेगी। और अब इसको दिखा, ये देख, ये देख, तू तू है, तू तो इधर आ, तू कटेगी, ये तो क्यूटनेस है, तू कटेगी, चल। इसका तो कोट ही कितना सुंदर है यार,
मुझे लगता है सबसे सुंदर कोट ना जर्मन शेपर्ड्स का होता है आउट ऑफ ऑल द ब्रीड्स. मुझे लेडी ओली का कोट मनी. लेडी ओली का तो शाइनी तो अलग ही है. जब मैं इसको पावर करता हूं ना, हां मुझे ऐसा लगता है मैं 10 किलो 15 किलो वाले डॉग को ऐसे करता हूं. इसको मैं करता हूं 5 किलो क्योंकि मेरा बॉडी वेट 120 किलो है ना, तो मेरे को बहुत हल्के लगते हैं डॉग, चाहे वो 40 किलो का. जब मैं इसको करता हूं मुझे ऐसा लगता है मैं कोई हैवी डॉग को कर रहा हूं, मेरा सांस फूल जाता है. आई हैवी है यार. है मेरा लाडो रानी. ये देख मुंह देख रही है कितना बड़ा. तुम्हें लात मार रही है ये देख दो. चलो कितने गंदे हो गए हो पार्क की गंदी मिट्टी में. ये तो फन है, इनको वाइल्ड रहने दो, घर पे दो मत करो. ट्रॉफी डॉग्स नहीं है, ट्रॉफी डॉग्स नहीं है. बहुत इजी है, आराम से तो मस्ती मार रहे हैं, गंदे रहे. हफ्ते में एक बार नहला दो, एंटी टिक्स के लिए वो करवा दो, स्पॉट ऑन जब भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ तब से तू मान लेती है. जब भी पार्क में आती है बेइज्जती कराती है. जोई कम आज देखते क्या ट्रेनिंग इनके सामने ले रही है कि नहीं ले रही है. जोई कम थोड़ा सा ले रही है, पर जो मैं घर पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ घर पे तो बड़ी इंस्टेंट टक 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 टक. वो पता है जब उनके पैक के साथ आ जाती है ना तो इसके अंदर थोड़ा चेंज आ जाता है. पर मन्नी देख फिर भी ना जर्मन शेपर्ड ना बहुत ज्यादा. कल मैंने इसको सिर्फ लीश ट्रेनिंग दी, ये लीश पुल कर रही थी और मैंने लीश का ना तरीके से किया, इसकी लीश पुलिंग बंद हो गई. हाँ, और तुम्हारे आगे भी नहीं जा रही थी, पीछे भी नहीं जा रही थी, बिल्कुल हील पोजीशन में चल रही थी. और नंबर टू, कल जब स्ट्रीट डॉग्स इतना भौंक रहे थे ना, स्ट्रीट डॉग था वो लैब था किसी का नहीं, लैब तो अलग थे जो स्ट्रीट डॉग्स. हां हां तब भी तब मैं वैसे चिल्लाती है चार्ज करती है, मैंने इससे बोला नो तो चुपचाप, और जब मैंने इससे बोला बात तो ये भौंकी इसका. सही में ये तो कल लाइव इंसिडेंट मैंने भी देखा गाइस, ब्लॉग में आपको भी दिखाया है कल के ब्लॉग में. जर्मन शेपर्ड की सच में ऑडियंस ना अलग है. जो लोग जर्मन शेपर्ड रख के पाल चुके हैं और ट्रेन कर चुके हैं ना, वो इस चीज को बहुत रिलेटेबल मांगे. हमने हमारे दोनों रॉटवाइलर्स हैं, ठीक है ना, मेन हमारा पैक, पर ये भी हमारे पैक का एक इंटीग्रल पार्ट बन गई है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग. देख कितनी अच्छी है. तो गाइस दोपहर के बज गए हैं 2:30, लंच कर लिया, ऑफिस का इतना काम निपटाया आज मैंने पूछो मत. और यहाँ पे मैं बाहर आई, ये ना रो रहे थे चमेली के बच्चे, तो मैंने देखा कि गेट के बाहर चमेली खड़ी है और गेट के अंदर बच्चे हैं. हम ना आजकल ना बिल्कुल कुंडी लगा के रखते हैं क्योंकि बच्चे ना एस्केप करना शुरू हो गए हैं. इसका भी हमें कुछ उपाय निकालना पड़ेगा. तो कमेंट सेक्शन में जरा बताओ अगर आपको कोई ईजी वे आउट पता है. कि बड़े लोगों ने कहा कार्डबोर्ड करो, पर वो आते जाते ना चमेली उसको ना वो कर रही है खराब, तो वो भी हो नहीं पा रहा. देखते तो फट्टा लगा देते हैं. और अभी फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ही अंदर घुसी ना मैंने इसको अंदर जाने दिया, वैसे चारों के चारों बच्चे ना दूध पीने के लिए ना इस तरह चिपक गए और इतने क्यूट लग रहे हैं ना. चारों के चारों घुस गए हैं, जिसमें से तीन ने तो निप्पल पकड़ लिया है, उनको तो मिल गया है दूध, पर ये जो चौथी है ना हमारी दामिनी, इसको नहीं मिल पा रहा. अब वो चढ़ रही है देखो सबके ऊपर, और ना चमेली उसे पीछे से पुश कर रही है कि वहां जाके पी ले तू. तो मतलब कितना प्यारा बॉन्ड है इन लोगों का अपनी मदर के साथ. और चमेली भी कितनी डेडिकेटेड माँ है. चमेली का नेचर ना पहले ऐसा नहीं था, काफी एरोगेंट सी थी ये, लेकिन जब से ये मदर बनी है ना इसका नेचर इतना चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया. इसके अंदर एम्पथी इतनी ज्यादा आ गई है, मैं कभी नहीं सोच सकती थी चमेली ऐसी बन के निकलेगी, सीरियसली. और यहाँ हमारी एक बहुत स्वीट स्वीट नेबर आई है जिसका नाम है पारुषी, और वो हर शाम आती है खेलने चार्ली के साथ. अभी उसके हाथ में चार्ली है और पारुषी खेल रही है चार्ली के साथ, दामनी के साथ, रोशनी के साथ और सबके साथ, पर लूना अलग बैठी हुई है. लूना चिल मार रही है. वाओ, अच्छा लूना चिल मार रही है. तो पारुषी को सबसे ज्यादा कौन सी पसंद है इनमें से? सभी क्यूट है. ये क्या नाम है इसका? दामिनी. चलो गुड, खेलो आप खेलो, ठीक है. मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, आता हूँ. ये कौन है? ये कौन है? चार्ली है. ये चार्ली है. अब आपको नाम याद हो गए? किसके? पानी तो क्या है भाई, आराम
है। ये चार्ली है और कौन है फिर वो ब्लैक वाली? हाँ जी ये दामनी और ये रोशनी है। रोशनी है? अच्छा, अच्छा, अच्छा कौन सी हेल्दी है? ये रोशनी बहुत मोटी है। है रोशनी बहुत मोटी है। रोशनी ज्यादा दूध पीती है मम्मा का। ओई ओई देखो वो खेल रहे हैं आपस में है ना। हाँ। और लड़ भी रहे हैं। ये देखो ये लूना क्यों भाग रही है? लूना लूना गुस्सा चढ़ गया है ना। लूना भाग रही है। कुछ कुछ आ जा मेरे साथ, तू तो मेरे पास है। लूना है कल लूना? दीदी आई थी आपने देखा था? हाँ दीदी आई थी। कल दीदी आई थी, कब सारे कपड़े गंदे करके आई थी वो घर। है हाँ। तो आप भी तो गंदे कर रहे हो कपड़े। तो ये बड़े सॉफ्टी है। ये सॉफ्टी है तो दीदी क्या कर रही थी? दीदी भी तो ये कर रही थी। लड़ने दे लड़ने दे। अच्छा चार्ली, ओ चार्ली चार्ली तो पिट गया। चार्ली पिट गया। चलो खेल लो, दीदी आई हुई है। क्यों? वो सो रही है। अच्छा तो आप फिर अकेले साइकिलिंग करोगे? नहीं मैं खेलने आगे फिर। चलो बहुत बढ़िया। उनकी मम्मा पिलाती है तभी तो अच्छा बन गए हैं। देखो मैं जब आती तब नहीं। हाँ तब नहीं पिलाती। ये देखो चार्ली खेल ले बेटा। खेलो आराम से चिल्ला रहे हो। जोई जोई क्या हुआ? जोई को क्या हुआ है? आ जाओ भागो यहाँ से जल्दी जल्दी। तुम भाग जाओ जल्दी जल्दी भागो। चलो पापा चलो बाय। गेम ऑफ 21 पॉइंट्स। तो गाइस इसी के साथ शाम को राहुल चला गया बास्केटबॉल खेलने। मेरे पास शिबू जेजू आ गए थे। जेजू की थोड़ी सी तबीयत खराब है, कोल्ड कफ वायरल चल रहा है, तो मैं उनके साथ बिजी हो गई, उनको साइकिलिंग कराई। राहुल अपना बास्केटबॉल खत्म करके घर आया। उसके बाद हमने देखा बिग बॉस और बिग बॉस देख के हम सो गए। तो ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और पूरी कोशिश करते हैं हम आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट ब्लॉग लेकर आए। बाकी कोई भूल चुक होगी तो माफ कर देना। बाय।